टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली द फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ द PT3 सिलेबस. इन दिस टर्म यू हैव टू डू चैप्टर्स, टू चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, रशिया एंड देन जर्मनी. दिस इज द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री ओनली, ओनली टू चैप्टर्स. एंड इन सिविक्स अगेन टू चैप्टर्स यू हैव टू डू. फर्स्ट इज electoral politics and then working of institution. Working of institution means आप इसमें parliament के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, and organs of the government पढ़ोगे. Organs of the government, legislature, executive, judiciary, ये सारा आप detail में पढ़ोगे. Working of institution. Electoral politics में आपने एक person को घर से लेके जाना है, vote डलवा के उसे वापस लेके आना है, government बनानी है, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, ये सारा प्रोसेस आपने इसमें पढ़ना है, ठीक है. कैसे इलेक्शंस होते हैं, वैसे भी हमारी स्टेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो वो यू शुड मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दीज. आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि इलेक्शंस होते कैसे और किस वे से कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है. ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम बी अवेयर, आपने प्रॉपर रिजल्ट नोट करने हैं, कौन सी पार्टी विनर होती है, कितनी सीट्स वो लेके जाती है, टोटल सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है पंजाब की, ये सारी इंफॉर्मेशन यू हैव टू कलेक्ट. इज इट क्लियर सबने? तब जब इलेक्शंस होने हैं तो आप उन दिनों में अवेयर रहोगे, आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक डायरी रखोगे जिसमें आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाओगे, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, कौन सी पार्टी विनर है, कैसे गवर्नमेंट बनती है, कौन सी पार्टी ओपोजिशन बन जाती है, कौन फिर प्राइम चीफ मिनिस्टर बनता है, ये सारा कौन ओथ दिलवाता है उसे. अगर आपको ये सारा आ गया ना, मींस ये चैप्टर इजी तो होना ही होना है, साथ में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर भी इजी हो जाना, क्योंकि जो चीज हम लाइव देख के करते हैं ना वो ज्यादा बेस्ट होती है. बुक से पढ़ने से बेटर होता है लाइव, लाइफ को देख के करना, उसको लिखना, अपने व्यूज लिखने, दैट विल बी गुड. तो वर्किंग ऑफ सॉरी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे पहले तो नो नीड टू राइट, क्योंकि आज मैं लेसन स्टार्ट नहीं कर रही, ओनली आउटलाइंस ऑफ द चैप्टर आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसमें है क्या क्या. सबसे पहले तो इन्होंने इस चैप्टर में यही सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर इलेक्शंस, प्रोसेस बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रोसेस बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस, ठीक है. इसे हम प्रोसेस बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड इलेक्शन. तो ये इंडिया में ये जो इलेक्शंस है ना, इसका टेन्योर है आफ्टर 5 years. 5 years के बाद इलेक्शन होने ही होते हैं. कभी भी वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट इन अवर कंट्री इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. हमारी गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं कह सकती कि कोई बात नहीं, इस बार कोरोना चल रहा है तो कोई बात नहीं, इलेक्शन नहीं करवाने, इलेक्शन हम नेक्स्ट ईयर करवाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता. कुछ भी हो जाए इलेक्शन मस्ट होने ही होने हैं अपने प्रॉपर टाइम पे, ठीक है. तो एक तो ये, अब ये करवाता कौन है, who conducts elections, election commission conducts the election. अब election को 5 years के बाद होते हैं, तो election commission जो है ना उसका tenure होता है 6 years. After 6 years नया election commission setup होता है. अगर आपसे पूछा जाए tenure of election commission तो आपने बताना है 6 years. इलेक्शन कितने इयर्स के बाद होते हैं, 5, पर इलेक्शन कमीशन का टेन्योर 6 इयर्स. उसमें कौन कौन होता है, 3 मेंबर्स. देर आर 3 मेंबर्स इन इलेक्शन कमीशन. 1 इज कमिश्नर, 2 आर हेल्पर्स. एक कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, 2 उसके हेल्पर, उसकी हेल्प करने वाले. एक कमिश्नर होता है, हर स्टेट का अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है. हमारी पंजाब स्टेट का अलग है, हरियाणा का अलग होएगा,
केरला का अलग होएगा, हर स्टेट का अपना अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, कंट्री का अपना, ठीक है। जब वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं तो कंट्री का इलेक्शन कमीशन तब वर्क करता है। तो हर स्टेट का अपना अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता है, कई बार इसमें टू मेंबर्स भी होते हैं, डिपेंड, मोस्टली थ्री होते हैं, रेयर केसेस कई बार टू भी होते हैं। तो ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब मेंशन्ड है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी नहीं कर सकती, इट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल मैं बड़े इजी वे से बच्चों को लर्न करवाती होती हूँ, आपको ये कभी आर्टिकल नहीं भूलेगा, आर्टिकल 3-4 ऐसे याद रखो, आर्टिकल 3-4 बस ये याद रखो। ये आर्टिकल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें दिस आर्टिकल मेंशन्ड अबाउट इलेक्शन कमीशन, ये आर्टिकल अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल देखते हैं तो इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या क्या करता है, सबसे पहले तो वो डेट ऑफ इलेक्शन डिक्लेयर होती है, दैट इज डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन। फिर वोटर्स लिस्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड, वोटर लिस्ट में हर उसको प्रॉपर वोटर लिस्ट को प्रॉपर चेक किया जाता है, नेम ऑफ द बोगस वोटर्स आर डिलीटेड, कितनी बोगस वोट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो जाए तो उसका नाम तो उस वोटर लिस्ट में रह गया, उसका नाम फिर काटते हैं उसमें से, और नए वोटर्स जो बन जाते हैं, जब आप कल को 18 के हो जाओगे तो आप बन जाओगे नए वोटर्स, ठीक है, तो आपके नाम उस लिस्ट में ऐड होंगे। अभी आप छोटे हो तो आपके नाम नहीं है उस लिस्ट में, कल को आप 18 के हो जाते हो तो आपके नाम उसमें ऐड होंगे। इट मींस उस लिस्ट को रिवाइज किया जाता है, वोटर्स लिस्ट को, और ये भी इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। इसके इसमें ड्यूटीज लगती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, मोस्टली टीचर्स की, घर घर जाके सर्वे करते हैं, आपके घर में भी आते होंगे, तो वो आके यही सर्वे करते हैं कि कितने मेंबर्स हैं, कितने एज बालक कितने हैं, अडल्ट कितने हैं, तो वो प्रॉपर नोट करके जाते हैं। अगर किसी की फैमिली मेंबर अब नहीं है घर में तो उसके बारे में लिखवाया जाता है कि ये पर्सन नहीं है, तो वो नेम काटे जाते हैं। बाई चांस कोई फॉरेन शिफ्ट हो गया तो उसका वहां पे रेजिडेंसी वहां की मिल गई तो उसका इधर से नाम कटेगा ना, दो दो कंट्रीज की रेजिडेंसी थोड़ा लेगा बंदा। अगर कोई कनाडा का रेजिडेंट हो गया तो इंडिया में से उसकी वोटर लिस्ट में से नाम कट जाएगा। तो इस वजह से नेम्स ऑफ द आप कहोगे कि ऐसे वाले वोटर्स के जो शिफ्ट हो गए या कुछ भी, कई बार कोई एरिया ही शिफ्ट कर लेते हैं लोग। आप जैसे पहले दर्शनगर में रह रहा कोई, अब वो पर्सन चला गया मॉडल टाउन में, तो उसका अब वहां की लिस्ट में नाम होना चाहिए, दर्शनगर में नहीं फिर होगा उसका नाम, वो शिफ्ट कराएगा अपना नाम, उधर की लिस्ट में जाएगा वो। तो इस वजह से नेम ऑफ द ये सारी वोटर लिस्ट रिवाइज होती है, ये भी इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है, ठीक है। डेट डिक्लेयर, आपको फंक्शंस पूछने हैं पेपर में, राइट द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो मैं फंक्शंस ही बोल रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेट ऑफ इलेक्शन डिक्लेयर होती है, देन वोटर लिस्ट इज टू बी रिवाइज्ड, नेम ऑफ द बोगस वोटर्स आर टू बी डिलीटेड, नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स आर टू बी एडेड, ये आप अपने आप लिख सकते हो। फिर आप बताओगे कि इलेक्शन कमीशन जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिक्लेयर करता है, तो व्हाट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पर्पज, ये आपको अपनी क्लास में 4 लाइन्स दिख रही हैं। सोचो इट्स अ जलंधर सिटी, इतनी सी जलंधर सिटी, आपका रूम जलंधर सिटी है, तो ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गई। फॉर एग्जाम्पल उधर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ये, ठीक है, सिटी को जैसे मैं कहूँ, तो पंजाब की इलेक्शन होनी है तो स्टेट इज टू बी डिवाइडेड इंटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। तो ये भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। हमारी जैसे पंजाब स्टेट है तो इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटने का काम किसने करना है, इलेक्शन कमीशन। 117 है पंजाब की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो इलेक्शन कमीशन ने ये सारा काम करना है। अब पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कैंडिडेट सेलेक्ट करती है पॉलिटिकल पार्टी, वो इलेक्शन कमीशन नहीं करता, उसने तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया।
Next, now what is constituency for the purpose of election? State is divided into, अब state की elections है तो state बोलेंगे, country की है तो हम country बोलेंगे. Country or state is divided into smaller parts and that is known as constituencies. अगर हम country की बात करें तो there are 543 constituencies. लोक सभा, अगर हम country की बात करते हैं ना तो parliamentary constituencies इंडिया में 543. ठीक है, 543 एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट 550 तक भी हो सकती हैं, बट एट प्रेजेंट 543. एंड अगर हम अपनी स्टेट की बात करते हैं तो देयर आर 117. गोवा की बात करते हैं तो गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ना, तो वहां पे सबसे कम है 40, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट स्टेट है. तो डिपेंड करता अकॉर्डिंग टू द एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है. ये नहीं है कि आप कहोगे कि हर स्टेट की इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, नो, की अलग अलग होंगी. तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिक्लेयर किया जाता है. दिस वर्क इज डन बाय इलेक्शन कमीशन. अब कैंडिडेट तो पॉलिटिकल पार्टी लाएगी अपना. अब इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन, पहले तो ईवीएम वगैरह सारी गवर्नमेंट मशीनरी चेक करनी है. दिस वर्क इज ऑल्सो डन बाय इलेक्शन कमीशन. तभी इसको एक साल एक्स्ट्रा मिलता है. उस साल में वो प्रेपरेशन करते हैं सारी अपनी, 6 years बोला है ना मैंने उसका टेन्योर, एक साल में वो सारा प्रिपेयर करते हैं काम अपना. तो सारी गवर्नमेंट मशीनरी चेक होती है. गवर्नमेंट मशीनरी मीन्स ईवीएम. नो व्हाट्स ईवीएम? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. इन अवर कंट्री इलेक्शंस आर, वोटिंग इज डन थ्रू ईवीएम. पता है ना ईवीएम के थ्रू होती है. ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है. उस पर क्या लिखा होता है? उस पे नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड सिंबल दोनों होते हैं ईवीएम पे. नेम तो चलो जो एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए हो गया. अब सिंबल, हमारी कंट्री में बहुत से लोग अनएजुकेटेड भी तो हैं जिनको पढ़ना ही नहीं आना जाके कैंडिडेट का नेम, फिर वो सिंबल देख के अपना बटन प्रेस करते हैं. तो इस वजह से दोनों चीजें होती हैं उस पे, नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड सिंबल. तो जिसको वोट डालनी होती है कैंडिडेट उस बटन को प्रेस करता है, अपने आप उसकी वोट डल जाती है. इन अवर कंट्री वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट. नो वन एक्सेप्ट वोटर नोज इन हूज फेवर ही और शी हैज कास्टेड हिज वोट. किसी को नहीं पता आप किसको वोट डाल के आए. आप बीजेपी को डाल के बाहर आके कह दो मैंने कांग्रेस को डाली है, नो वन नो. किसी को नहीं पता. आपके साथ वाले को नहीं पता आप किसको वोट डाल के आए. तो इस वजह से वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं. ड्यूरिंग इलेक्शंस ये भी चेक किया जाता है कहीं पे रिगिंग तो नहीं हो रही. रिगिंग मींस फ्रॉड. कहीं पे फ्रॉड तो नहीं हो रहे. RIGGING बोला मैंने, रिगिंग. RIGGING रिगिंग का मतलब है फ्रॉड. कहीं पे फ्रॉड, रिगिंग इज टू बी चेक्ड बाय इलेक्शन कमीशन. बूथ कैप्चरिंग ना हो. इसके लिए बच्चे मैं आपको एक मूवी बताती हूँ, लॉयन ऑफ पंजाब. आज देख लो, चाहे ये 2-3 दिन में इस मूवी को देख लो, लॉयन ऑफ पंजाब. काफी हद तक नॉलेज मिल जाएगी. पंजाबी है ये मूवी, दलजीत की. देखी होगी काफी जनों ने. नहीं देखी तो देख लो. इसमें आपको बूथ कैप्चरिंग का पता चलेगा, कैसे कैसे कैंडिडेट्स होते हैं ये. और एक नायक मूवी, वो भी चलो वो तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं बोलूंगी, अनिल कपूर वाली, वो नेक्स्ट के लिए. अभी आप इसके लिए लॉयन ऑफ पंजाब देखो, ठीक है? आपको इलेक्शंस के बारे में काफी नॉलेज मिलेगी. कैसे उसमें बूथ कैप्चरिंग प्रॉपर दिखाई हुई है कि मनी एंड मसल पावर कैसे यूज करते हैं कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन. मनी पावर मींस ब्राइब, रिश्वत देते हैं वोटर्स को, या फिर मसल पावर, थ्रेटनिंग, थ्रेट करते हैं वोटर्स को कि आप पोलिंग बूथ ही ना हो. तो इस वे से कितना मर्जी गवर्नमेंट हमारी फेयर वे से, इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर होते हैं. फ्री एंड फेयर बेस होते हैं हमारी कंट्री में इलेक्शंस, बट फिर भी कहीं ना कहीं हो जाती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है. तो इलेक्शन कमीशन ये सब ड्यूरिंग इलेक्शन चेक करता है कि कहीं ना कहीं रिगिंग तो नहीं हो रही. गवर्नमेंट मशीनरी चेक होती है सब. कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट मशीनरी में हम उनके व्हीकल्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट अवर रूलिंग पार्टी, जो भी चलो ड्यूरिंग इलेक्शन रूलिंग पार्टी अपनी पावर्स तो नहीं मिसयूज कर रही, मास मीडिया तो नहीं मिसयूज कर रही, कि गवर्नमेंट की व्हीकल्स को तो नहीं यूज कर रही, कि अपना इलेक्शन कैंपेनिंग पे जा रहे हैं और पेट्रोल चल रहा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की गाड़ियां यूज हो रही हैं, ऐसे तो नहीं हो रहा.
क्योंकि ओपोजिशन जो है फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि रूलिंग पार्टी इज मिस यूजिंग इट्स पावर्स. मीडिया, मास मीडिया जो होता है मोस्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ रूलिंग पार्टी, कि कहीं वो मिस यूज तो नहीं कर रहे उसको. ये सब चेक होता है ड्यूरिंग द डेज ऑफ इलेक्शन. तो इस वजह से ये सारा काम इलेक्शन कमीशन चेक करता है कि कहीं गवर्नमेंट मशीनरी में, मैं सिर्फ ईवीएम नहीं बोल रही, गवर्नमेंट मशीनरी में आपका गवर्नमेंट की व्हीकल्स भी आएंगे. अब कैंपेनिंग पे जाना है, आपकी पार्टी है तो आप अपनी गाड़ी में जाओगे, अपना पेट्रोल खर्चोगे, आप गवर्नमेंट के खर्चे पे तो नहीं ना जाओगे. आप मास मीडिया अपने अंडर नहीं कर सकते, ठीक है. आप ओपोजिशन को भी चांस मिलना चाहिए, वो भी अपनी जो भी बात है वो भी लोगों को बता सके, वो भी अपनी पॉलिसीज डिक्लेयर जो भी उसने फ्रेम की है वो लोगों को बता सके. तो ये सब आ जाता है गवर्नमेंट मशीनरी में. अब बिफोर इलेक्शन से पहले क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज इशू इट्स मैनिफेस्टो. अब मैनिफेस्टो क्या होता है, इट इज अ बुकलेट, बुकलेट की तरह होता है, इन विच पॉलिटिकल पार्टीज गिव इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. अब आ जाने हैं मैनिफेस्टोज देखना. पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज प्रोग्राम्स उसमें देती है सारी. अब वोटर्स उस मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं एंड वोटर्स कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. वोटर्स उसके अकॉर्डिंग वोट डालते हैं हुज मैनिफेस्टो दे थिंक इज बेटर. वोटर उस मैनिफेस्टो में से देखते हैं किसका मैनिफेस्टो बेस्ट है, वोटर उसी पार्टी को वोट डालते हैं. पर आज की डेट में ये प्रॉब्लम बन चुकी है कि मैनिफेस्टो ऑफ ऑल द पार्टीज आर सेम. हर पार्टी, अब एक मिनट, यहाँ पे एक पार्टी आपने बनाई, एक आपने बनाई, एक उसने बनाई, ठीक है. अब आप जो मैनिफेस्टो आप कहोगे मैं जो भी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की हेल्प करूंगा, ठीक है, इस वजह से आप अपनी प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाओगे कंट्री में, सेम यही लिखेगा, सेम वो भी लिखेगा. तो आज की डेट में ये प्रॉब्लम बन चुकी है, वोटर्स गेट कंफ्यूज इन हूज फेवर दे हैव टू पास देयर वोट बिकॉज मैनिफेस्टो ऑफ ऑल द पार्टीज आर सेम. हर कोई अपना बेस्ट मैनिफेस्टो बनाता है. अब पार्टी, अब इलेक्शन का डे आ जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग करती हैं. पहले बिफोर आपने देखी होगी कैंपेनिंग कैसे, तब उन दिनों कितना शोर पड़ जाता है कि इस पार्टी को वोट दो, सब कुछ सुना हुआ है ना ये कैसे कैसे वो पॉलिसीज. हाँ, सब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेनिंग करती है और ये प्रॉपर राइट होता है, हर पार्टी अपनी कैंपेनिंग कर सकती है, इलेक्शन प्रोपेगेंडा सब पार्टीज अपना करती हैं. उसके ये दो दिन पहले कैंपेनिंग बंद हो जाती है. 48 आवर्स बिफोर द इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज कांट डू कैंपेनिंग, नहीं कर सकते. 48 आवर्स पहले ये सब शांत एटमोस्फेयर हो जाता है, पार्टीज कैंपेनिंग नहीं कर पाती, बंद कर देते हैं, उसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑर्डर होते हैं. अब आ जाता है डे ऑफ इलेक्शन. तो उस दिन जो भी वोटर्स होते हैं वो पोलिंग बूथ जाते हैं एंड कास्ट योर वोट, अपनी वोट डालते हैं. अब वोटिंग हो गई तो बैलेट बॉक्सेस जो होते हैं वो बैलेट बॉक्सेस को सील किया जाता है. सील करने के बाद बैलेट बॉक्सेस को भेजा जाता है काउंटिंग सेंटर्स. काउंटिंग सेंटर्स पे हर पार्टी का एक कैंडिडेट, एजेंट, कई बार कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते क्योंकि इतनी जगह वोटिंग हो रही है, तो उनके एजेंट्स भी होते हैं पार्टीज के. हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट या एजेंट्स भेजती है, तो उसकी उनके सामने वो सारी काउंटिंग होती है ताकि चीटिंग ना हो. अब जिस पार्टी को ज्यादा वोट्स मिलते हैं दैट पार्टी इज डिक्लेयर्ड विनर, उसको फिर विनर. तो उन दिनों आप देखते हो टेलीविजन पे सारा वो साथ साथ लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है, कितने वोट्स इस पार्टी की फेवर में आ चुके हैं, अभी काउंटिंग इज गोइंग ऑन, सुनते हो ना तब कि अभी ये चल रही है काउंटिंग, अभी इतनी इस पार्टी, ये पार्टी इतनी सीट्स ले गई है, इतने इतने, वो सारा साथ साथ अपडेट करता रहता है मीडिया. एंड में जिस पार्टी को ज्यादा वोट्स मिलते हैं, सीट्स मिलती हैं, दैट इज डिक्लेयर्ड विनर. मीन्स हाफ से ज्यादा सीट्स सही होती है, जैसे मैंने अभी बोला 543 हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंसीज. 543 मीन्स अगर कोई पार्टी 250 सीट्स भी लेगी ना वो विनर नहीं है. नो डाउट उसको 250 सीट्स मिलगी, दैट इज विनर. दूसरी पार्टीज को कम मिली है बट वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती, उसको हाफ से ज्यादा चाहिए. देन ऐसी कंडीशन में
विनर पार्टी हैज टू ज्वाइन हैंड्स विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज, उसको दूसरी पार्टीज के साथ फिर हैंड ज्वाइन करने पड़ते हैं, देन कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। बहुत बार बनी है इंडिया में अंडर मनमोहन सिंह, 10 साल रूल किया ना मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने, तो अंडर मनमोहन सिंह इन इंडिया वी वर हैविंग कोलिशन गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट थी, बट एट प्रेजेंट इन अवर कंट्री अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी देयर इज नो कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि बीजेपी अपने आप ही पावर में आई है, उसको हाफ से भी ज्यादा वोट सीट्स मिली है। तो एट प्रेजेंट इन अवर कंट्री देयर इज नो कोलिशन गवर्नमेंट, बट अंडर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ड्यूरिंग द रूल ऑफ कांग्रेस वी वर हैविंग कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया, बट एट प्रेजेंट देयर इज नो कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का भी आपको पता चल गया होगा, व्हेन पॉलिटिकल पार्टी दैट इज डिक्लेयर्ड विनर बट उसे हाफ से भी कम सीट्स मिली हैं, देन पार्टी हैज टू शो इट्स मेजोरिटी, देन इन सच कंडीशन पार्टी हैज टू ज्वाइन हैंड्स विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरों के साथ हैंड ज्वाइन करके उसे मेजोरिटी शो करनी पड़ती है, अगर वो मेजोरिटी शो कर देती है तो वो पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाती है, तो ऐसे होता है। तो वो रूलिंग पार्टी अब आ गई, अब इलेक्शन हो गए, पार्टी जो जीत गई वो रूलिंग हो गई, जो नहीं जीती दैट प्लेज द रोल ऑफ ओपोजिशन, ओपोजिशन पार्टी एंड रूलिंग। एट प्रेजेंट तो अगर आपको मैं बताऊं तो इंडिया में ओपोजिशन पार्टी है ही नहीं, उतनी सीट्स ही नहीं मिली हुई ओपोजिशन को कि उसे ओपोजिशन का प्रॉपर दर्जा दिया जा सके। ओपोजिशन हाईलाइट्स द फेलियर्स ऑफ रूलिंग पार्टी। हम पंजाब की बात करें तो अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीरियड की बात करते हैं, तो अभी नए नए आए हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीरियड में याद करो, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हमारी, और उधर बीजेपी एंड अकाली दल वो ओपोजिशन, तो वो हमेशा आप नोट करना सुखबीर सिंह बादल वो मोस्टली क्रिटिसाइज करते होते थे, या मजीठिया वगैरह वो मोस्टली क्रिटिसाइज करते थे किसको, कैप्टन अमरिंदर सिंह को। मीन्स ओपोजिशन पार्टी ऑलवेज, आप कहोगे कि हाईलाइट्स द फेलियर्स ऑफ रूलिंग पार्टी, उसकी रूलिंग पार्टी की फेलियर्स को हाईलाइट करती है, फोर्स इट टू फुलफिल इट्स प्रोमिसेस दैट पार्टी हैज डन इन इट्स मैनिफेस्टो। तो ये सब कुछ होता है, जो जो प्रोमिसेस पार्टी, आपको आपने कितनी बार ये नोट किया होगा कि कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोर्स किया जाता था कि यू हैव डन दिस प्रॉमिस ड्यूरिंग योर मैनिफेस्टो, नाउ फुलफिल इट। आपने ये वाला प्रॉमिस किया था, आपने ये कसम खाई थी गुरुद्वारे की तरफ हाथ करके, आपने बहुत बार सुना होगा ये सब कुछ कि आपको ये प्रॉमिस अपना पूरा करना है। तो ओपोजिशन हाईलाइट्स द फेलियर्स ऑफ रूलिंग पार्टी, फोर्स इट टू फुलफिल इट्स प्रॉमिसेस दैट इट हैज डन इन इट्स मैनिफेस्टो। तो इस वे से हमारी कंट्री में दोनों पार्टीज अपना रोल प्ले करती हैं। इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शंस करवाने के बाद, आपको मैंने उसका टेन्योर बताया कितना, 6 ईयर्स, 5 ईयर्स तो आप कह लो कि पार्टी रूल कर रही है, 1 साल उसे प्रेपरेशन का दिया जाता है कि वो सारी अपनी कौन सी प्रेपरेशन करनी होती है उसने, कि वो सारा अपना ईवीएम वगैरह चेक हो जाए, पूरी कंट्री में ईवीएम वर्किंग है कि नहीं, तो ये सारा तब चेक किया जाता है कि कहीं पे ये चीजें प्रॉब्लम तो नहीं दे रही। अब हम कर रहे थे कि वोटिंग काउंटिंग हो गई, पार्टी डिक्लेयर हो गई, अब हो सकता है किसी एरिया में रिगिंग होगी हो, इतना बड़ी स्टेट है, कंट्री है, किसी एरिया में रिगिंग होगी हो। हमारे यहाँ पे तब ब्यास में हुआ था, तो उस एरिया का रिजल्ट जो है ना वो कैंसिल कर दिया जाता है, कहा जाता है कि इन दिस एरिया दिस वर्क इज डन बाय इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन वुड बी हेल्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी अगेन। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ऑर्डर आता है कि इस एरिया में रिगिंग हुई है, या इस एरिया में बूथ कैप्चरिंग हुई है, या फिर रिलीजियस सिंबल्स यूज करके लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया, क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन पार्टीज अपने रिलीजियस सिंबल्स यूज नहीं कर सकते, रिलीजन और कास्ट के नाम पे वोट्स नहीं मांगे जाते, ठीक है, कभी भी आपके आप नोट करना, रिलीजन और कास्ट के नाम पे वोट नहीं मांगी जाती। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उस एरिया का जो रिजल्ट होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है, एंड उस एरिया में इलेक्शंस दोबारा करवाए जाते हैं, दैट इज डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन के इस एरिया में मैं इलेक्शंस दोबारा करवाऊंगा। और अगर किसी एरिया में रिगिंग हो जाए तो उस एरिया के ओपोजिशन वाले कैन फाइल अप पटिशन इन द कोर्ट, पटिशन फाइल अप कर देते हैं कोर्ट में कि हमारे एरिया में रिगिंग हुई है, ठीक है, और उस पिटीशन अगर वो सारा करेक्ट पाया जाता है, क्योंकि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता कोर्ट को,
नहीं तो उस पर्सन के लिए प्रॉब्लम हो जानी है जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा। अगर ये सब सच पाया जाता है कि उस एरिया में सच में रिगिंग हुई थी, तो उस एरिया के फिर रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया जाता, कैंसल किया जाता उस एरिया के इलेक्शंस को। फिर उस एरिया में इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑर्डर होता है इलेक्शंस वुड बी हेल्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी अगेन। तो ये आपने सारा इस चैप्टर में पढ़ना, अभी मैंने इतना ही बताया, हमने आज इतना ही किया, बाकी हम कल करेंगे।